अज असी पहुंचे हैं ब्लॉक टांडा दे पिंड जूरा विखे जिथे कि आ शक्ति मंदिर जूरा स्थित है। तो इस समय साढ़े नाल मौजूद ने मास्टर पवन कुमार जूरा जी, जिन्हों तो असी जानते हैं मंदिर के इतिहास बारे। इत्थे लोग दूर दूर तो आते हैं तो जानते हैं इन्हां तो। पहला सब तो पहला स्वागत है जी, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत जी। मास्टर, इस मंदिर का की इतिहास है, तो किस समय तो इत्थे मंदिर है? सुनिया जाता जी भाई इत्थे मूर्तियां जिहड़ियां मूर्तियां तो अंदाजा लगता है कि जगह जिहड़ी आ लगभग पत्थर युग दी। कथा ये सुनी आ किते जूरे का नाम नहीं होया, पर यह जरूर हैगा जिते वो हमन किया गया उहदा नाम जरूर है, क्योंकि जदों ये हमन का टाइम सी ये पांडवों के टाइम दे दी गल आ। पांडवों चो अर्जन सी, अर्जन का बेटा अभिमन्यु सी, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित सी, तो परीक्षित का बेटा जनमेजा सी। ये जनमेजा तक सारियां नूं चक्रवर्ती राजे कहा जांदा। उस वेले इन्हां दी राजधानी जिहड़ी आ ला लो तुसीं पुराणी दिल्ली रख लो, उदों इहदा नाम हस्तिनापुर सी। अज भी ये धारणा हैगी आ जी कि कोई एक्सीडेंट ना मर जाए जां कोई जहर खा के मर जाए किसी तरह भी, तो उन्हें कह दें अवगत मर गया। इस तरह महाराजा जनमेजा के बाप परीक्षित भी सप कट के सप ने लड़े से तो मरे। होर भी एक धारणा जिस बारे मैं तो नहीं अजे मैनू नहीं पता लगता भी ये गति होंगी या कि नहीं होंगी या की होंदा है, तो अज भी गतियां करते हैं। इस तरह वो हालांकि विद्वाना ने महाराजा जनमेजा नू भी एक वैल क्वालिफाइड चंगा पंडित गिणिया, फिर भी उन्होंने भी मन च आया भी ये अवगत की गति किदां कीती जाए। तो उस वेले दे ऋषियां मुनियां नू उन्होंने पूछया, उन्हें कहा भी सर्प जग कीता जाए, मतलब सर्प सप्पां नू बीज नाश करन लई हवन किया जाए। हवन किया पर कुदरत का कानून उहदी मर्जी तो बगैर किसी चीज़ का बीज नाश नहीं हो सकता। उस वेले ग्रंथां विच ही है लिखा भी एक सिगा जी अस्तीक ऋषि उन्हें कहा भी ऋषि अंगरा ऋषि से जिन्हें किया हमन, तो अंगरा नू कहा कुदरत का पाशक हाँ तो कुदरत के खिलाफ कर लगा, तो कुदरत का कानून आ जिस चीज़ का विनाश कुदरत खुद कर सकती असी नहीं कर सकते। वो किसी ढंग ना भी समझो उन्होंने हमन जोड़ा से बंद कर दिता। तो उस तो बाद अज तक हुण तो काफ़ी रश रहिंदा जी, सप कट्टे वाले आउंदे आ इत्थे ते ठीक भी होंदे, पर इहदे नाल ही कुछ पखंड बड़े चल पाए आ। कोई कहिंदा किसे दिन आओ, कोई सोमवार आओ, कोई मंगलवार आओ, इत्थे किसे दिन का कोई वहम भरम नहीं। दूसरा हैगा कि सानू कुछ परहेज जरूर करने चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म इत्थे ही आया, मैं देखिया भी इहदे विच जे सर्प ने कटता बहुत घट है जी, उदा इसकी जहर डिगी हुई कितों मक्खी तो जां कापूस तो जां किसे मक्खी मच्छर तो लग सकती है। तो जे दंदी वड्डे तो उहदे दंदां दे निशान होंदे, पर आम तौर पर इहदे निशान घट होंदे आ, छाला बणदा दा उहदी कितों जहर लगदी। तो लोग आउंदे आ आराम आउंदा आ, पर उहदे नाल जिहड़े नाल बहन पाए हुए वो नहीं चाहिए। इतने मैं रोज़ सुनता जी सुचे मूँह आओ, मैनू नहीं समझ आती कि साडा सुचा मूँह किदा होंदा, मूँह साढ़े सुख रहिंदा मूँह सुचा कितों हो जाऊगा। मेरे हिसाब न सप्प के कट्टे जिन्ना भुखा रखा जाए उन्नी जो स्वास है छेती खत्म हो सकता। इस तो बचण लई पेट जरा पूरा भरया रहना चाहिए, और इनू दुध दही नशा लस्सी ते मक्खन ये नुकसान करते। अज चाह का रवाज आ, चाह बशक सब पियो जिनी मर्जी, पर मरीज़ नूं चाहिए भी अपने हिस्से की चाह च दुध ना पावे,
ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵੇ, ਜੇ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਬੜੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਪੀਓਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਝੂਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੂਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ।